विकास के लिए केंद्र की नीतियों के महत्व और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री शनिवार को पहुंचे राज्य के दौरे पर। गणतंत्र दिवस डिफेंस एक्सपो सीए के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी। लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार इस धारा को पुलिस कमिश्नर ने लागू किया। गोरखपुर में किसानों को सम्मानित करने के लिए घेड़ा में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में किसानों द्वारा जमीन दिए जाने से निर्माण कार्य संभव हो सका। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 में प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए panchayatawards.gov.in पर जाकर पुरस्कार हेतु 31 जनवरी 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। 2018-2019 में परीक्षा पे चर्चा की जबरदस्त सफलता और कार्यक्रम के प्रति छात्रों के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 2000 छात्र और छात्राएं और शिक्षक भी शामिल होंगे। कानपुर नगर जनपद के केंद्रीय विद्यालय कैंट में 12वीं की क्लास छात्रा पूर्णिमा अग्रवाल का चयन प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम के लिए हुआ है। चयन के बाद से ही पूर्णिमा पीएम से मिलने को लेकर है उत्साहित। बाराबंकी के राजकीय इंटर कॉलेज में बाल विकास पुष्टाहार मंत्री स्वाति सिंह ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पोषण अभियान 2020 और 205 सह आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, जिले के विधायक समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता अपने हजारों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत के लिए एकजुट संघर्ष करने का किया ऐलान। इस अवसर पर मुलायम सिंह यादव भी रहे मौजूद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता कर किया संबोधित। राष्ट्रमंडल दल के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा। 45 सदस्यों वाले इस दल में भारत के अलग अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हुए। अयोध्या में 18 जनवरी को पहुंचे इस दल ने कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के किए दर्शन। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से बुंदेलखंड के किसान एक बार फिर दैवीय आपदा का हुए शिकार। असमय बारिश की वजह से बांदा में अरहर, चना, सरसों, मूंग की फसल लगभग 40-50% तक हुई प्रभावित। जनपद फतेहपुर में भी एक बार फिर मौसम के बदले मिजाज से लगातार 36 घंटे जारी बरसात में किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खेतों में खड़ी सरसों, चना, मसूर, मूंग, अरहर सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे किसान काफी है चिंतित। प्रयागराज के अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान में 5 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस मेले में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं में दी जा रही सुविधाओं की जाएगी जानकारी। गोंडा जिले के केंद्र सरकार ने 2 नए प्लेटफॉर्म की सौगात दी है। इस तोहफे में जनपद वासियों को भीड़ से निजात मिलेगी, वहीं स्टेशन पर भी भीड़ और ट्रेनों का लोड हो जाएगा कम। प्रयागराज में परिवहन विभाग ने लाइसेंस पार्क बनाकर युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी देने की पहल। इस पार्क में परिवहन विभाग ने बाकायदा सड़क दुर्घटना वाहन नियमों की जानकारी देने के प्रतीक चिन्ह लगाए हैं, इससे लोगों को यातायात नियमों को समझने में मिलेगी सहायता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु में आज खेला जाएगा अंतिम निर्णायक 1 दिवसीय मैच। भारतीय टीम ने राजकोट में वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाया।